मनेन्द्रगढ़ में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हफीज मेमन ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द करने को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। जिलाध्यक्ष हफीज मेमन ने बताया कि केंद्र सरकार के खिलाफ युवा कांग्रेस पोस्ट कार्ड अभियान चलाएगी। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता डोर टू डोर लोगों से पोस्ट कार्ड भरवाकर प्रधानमंत्री मोदी को भेजेंगे। मनेन्द्रगढ़ और भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र से 5,000 पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार केशवानी ने बताया कि जिले में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर जाएंगे। अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से गौतम अडानी के बीजेपी को चुनावी फंड देने व विदेशों में कितने ठेके अडानी को मिले और अडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने, तीन सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने खाली कराया क्या? मुरली मनोहर जोशी जो आज तक सांसद नहीं रहे उनका बंगला उन्होंने खाली कराया क्या? वो यशवंत सिन्हा का बंगला खाली कराने की बात कह रहे हैं क्या? वो जसवंत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता है जो आज भी शासकीय बंगलों पर रहकर कैबिनेट मंत्री स्तर के बंगलों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उनकी उन्होंने किसी प्रकार के बंगले को खाली कराना? सारा नैतिकता की बात क्या राहुल गांधी जी की शादी की जाएगी? इसलिए हम सभी आप लोग के बीच में आए हैं। राहुल गांधी जी क्या बोल रहे थे? राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि अडानी का, जैसे बहुत सारे पत्रकार अपने अपने स्तर पर क्वेश्चन करते हैं कि अडानी जी को इसके पहले भी क्या, इसके पहले वो किसी प्रकार का उनको शासकीय रूप से कोई कार्य नहीं दिया गया? हम उनके शासकीय कार्यों पे जो दिए गए ठेके हम उसका विरोध नहीं करते। हम आपसे सिर्फ यह जवाब मानना चाहते हैं कि वो जो 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो पुराना जो राहुल गांधी जी पूछ रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट आखिर हुआ कहां से है? आप उसका जवाब दे दीजिए। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है अभी, आप ही इसके बाद कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका पहले ही जवाब दे दे रहा हूं। उनके 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति में मात्र 3,000 लोग नौकरी पाते हैं, वो इस देश के 100 इनकम टैक्स पेयरों में शामिल नहीं होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 8 साल पहले जो 700वें नंबर का यहां का जो पैसे वाला था, आज वह किस कारण बस दुनिया का नंबर वन पैसे वाला हो गया? इस बात की जो जांच है वो होनी चाहिए। बस इस बात पे कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट में कुछ जगह काम कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार आप लोग आरोप लगाते हैं, जो गवर्नमेंट है वो एनओसी देने का काम करती है और ठेके से लेकर एक एक चीज उसको आवंटन करने का सारा प्रक्रिया सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जिस प्रकार एक संघीय ढांचा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोयले की खदान हो चाहे कोई भी हो, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी लेती है कि उक्त खदान को क्या ऑक्शन किया जा सकता है, आपकी आपत्ति है कि अनापत्ति है कि नहीं है, तो उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये आंदोलन का रूप अभी बढ़ते जाएगा और जहां तक हाईकमान आदेश करेगा, कांग्रेस आलाकमान आदेश करेगा, कांग्रेस के जितने भी लिंग हैं, यूथ कांग्रेस, महिला